पियो चाय यार, को जरा कोयटा वालों की चाय। वाटर फ्रंटियर को एफसी पेशावर का किला है, एफ वाटर फ्रंटियर को। अच्छा जी, ये हमारा काबली पुलाव आ गया जो कि पेशावर का मेरा फेवरेट है, और ये चिकन आ गया, और अभी हम डिनर करने लगे हैं। एंजॉय जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम साबुन डाले शाहपुर में, आज हम जा रहे हैं जी पेशावर इस्लामाबाद में। लास्ट डे है हमारा आज, तो अभी हम निकल रहे हैं पेशावर के लिए। ये अहमदा भाई की सुन। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह हमने अपना पैक कर लिया है। अवैस भाई ने भी सारा कुछ अपना सामान ये वो सब ग्लासेस भी निकाल लिया। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, उबर शुबर करवाएंगे। शॉपर इधर किधर है? नाश्ता भी नहीं आज हमने करना, उबर शुबर करवा के फिर हम जाएंगे जी, पहुँचेंगे फैजाबाद, फिर वहाँ से इंशाल्लाह टिकट्स भी हमने बुक करवाई हैं सीट्स, तो फिर निकलेंगे हम पेशावर के लिए। इसकी भी यार चल नवा ले लें यार, की 3 बजे साबुन से मिलने लगा। चल रहे हैं। ये हमारी जंगो आ चुकी है, फैजाबाद जाएंगे अब हम यहाँ से। जी टिकट्स वगैरह हमने परचेज़ कर ली है, गाड़ी निकलने से तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले हम पहुंचे हैं डेवो के टर्मिनल पे। टिकट्स हमने ले ली हैं और गाड़ी हमारी रेडी है। ले जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, फुल टाइम ही हम पहुंचे हैं इधर टर्मिनल पे, वरना हमारी गाड़ी निकल जानी थी और फिर प्रोग्राम शुरू हो जाना था। अच्छी हाँ वैसे ऐसे ही है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइमली पहुँच गए, फुल टाइमली पहुँचे हैं जी। 2-3 मिनट रहते थे तो हमने टिकट परचेज़ कर ली है और गाड़ी में भी बैठ गए हैं, तो गाड़ी हमारी वहाँ की तैयार है। ये मोटरवे पे यर्क रहे हैं ये जी। ले जी हम पेशावर पहुंच चुके हैं, खैरियत से सफ़र हमारा अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है इधर, क्यों है गर्मी या नहीं? जी जी गर्मी बहुत ज़्यादा, इसला रावलपिंडी की नस्बत यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हम पहले लेंगे होटल और फिर जाएंगे हम वारसक रोड। ये ले जी रूम हमने ले लिया है, सामान वगैरह वहाँ पर रख दिया है, अभी हम वारसक रोड जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ही नाश्ता करेंगे आज, तो उसके बाद फिर रात को वापस आएँगे, तो देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। उमान भाई भी पहली दफ़ा पेशावर आए हैं, पहली दफ़ा आए हो आप? जी सर पहली दफ़ा। चलो कैसा लगा पेशावर आपको? अभी तक तो ठीक लग रहा है। अच्छा ये बस एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमने रिक्शा ऑटो ईयर खा लिया है, अभी हम वारसक रोड जा रहे हैं। महंगाई भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी ये मुनासिब रहते हैं। हाँ ये है कि एक मुल्तान वाले काफ़ी सफ़र है जो हमने करना है, ये 300 रुपया लिया और एक मुल्तान में वहाँ पे भी किराया आपसे बिल्कुल मुनासिब लेते हैं। लाहौर में कभी मुल्तान ये दो शहर जो इधर, और लाहौर में कभी भी किसी पे इतबार नहीं करना आपने ऐसे। वाटर फ्रंटियर को एफसी पेशावर का किला है, फ्रंटियर। अच्छा जी, मैं बोल अगले। ले जी हम वारसक रोड पहुंच चुके हैं, ये पेशावर का वारसक रोड। गाइस आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा, तो अभी हम फ्री हुए हैं, तो अभी डिनर का कुछ करते हैं प्लान और फिर जाएंगे होटल। तो क्या ख्याल है नुमान भाई? जी सर पहले डिनर पहले डिनर करें कि रूम चलें? पहले सर डिनर ही करते हैं, कुछ खा पी के फिर ही जा सकेंगे रूम में। चलें अवैस भाई वॉशरूम में गए हैं,
सो आते हैं तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं, पहले डिनर करेंगे फिर रूम में जाते हैं। ओके अब माशाल्लाह इधर भी इलाके में ले जी, ये चीफ ग्रिल पे आए हैं हम, तो इनका मेन्यू देखते हैं क्या मिलता है, तो फिर उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे हम। मेरा जी मेन्यू इनका ये हमारा काबली पुलाव आ गया जो कि पेशावर का मेरा फेवरेट है, और ये चिकन आ गया, और अभी हम डिनर करने लगे हैं। एंजॉय जी, डिनर करने के बाद हम होटल में पहुंच चुके हैं, डिनर बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। हाँ भाई चाचा ही, तो अभी हम चेंज करेंगे और फिर जाएंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि वैस भाई को आज चाय की तलब हो रही है। हाँ नहीं तो वैस भाई चाय नहीं पीते, चाय पियेंगे तो फिर आके फिर हम स्लिम लेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है और एक का टाइम हो चुका है अभी। ये नुमान भाई की फरमाइश पे कोयटा वालों के पास बैठे हैं चाय पीने के लिए। चाय हाँ, नुमान भाई लवर हैं चाय के, बहुत पसंद है इनको चाय, खाना ना दो तीन टाइम चाय दे दो बहुत खुश रहेंगे। पियो चाय। यार को जरा कोयटा वालों भी चाहे।